हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अर्जुन सर फ्रॉम एंटी क्लासेस। आज की बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे हम एससीएफ की। आज की क्लास में आपको सिखाएंगे एससीएफ। एससीएफ बेटा, एससीएफ को हिंदी में बोलते हैं मासापा, और इसकी जो एससीएफ की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एससीएफ को हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड जो हमारा एससीएफ का होता है वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसे हिंदी में कहा जाता है भाग विधि। दूसरा मेथड जो हमारा आता है इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। इसे हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड, गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले डिवीजन मेथड सीखेंगे। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं हम, डिवीजन मेथड थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए हम पहले डिवीजन मेथड बताएंगे कि डिवीजन मेथड से एससीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमारी ये क्वेश्चन, हम फोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 फोर क्वेश्चन हम एससीएफ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि उनका एससीएफ किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम पहले डिस्कस करते हैं डिवीजन मेथड को। इस मेथड को अभी रेज कर देते हैं। तो पहला जो हम डिवीजन मेथड है उसके अकॉर्डिंग 24 और 64 का एससीएफ निकालेंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे 64 को। सबसे पहले मेक श्योर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखोगे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को। अगर आपके पास थ्री नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहां पर ये थ्री नंबर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉल नंबर देखोगे। कहां पर है स्मॉल नंबर, यहां पर है। तो स्मॉल नंबर से उससे ग्रेटर नंबर को, इससे ग्रेटर ये है, इसे डिवाइड करोगे। लास्ट में जब आप डिवाइड करोगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को। तो सिंपली बेटा हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली स्टूडेंट्स हम इसमें करते हैं डिवीजन। जैसे हम डिवीजन करते हैं, जैसे 24 टू जा होता है 48 और 24 थ्री जा ज्यादा हो जाएगा। तो 24 टू जा करेंगे 48, अब माइनस करते हैं डिवीजन में, तो माइनस करेंगे और 14 में से 8 गए तो 6 बचा, और यहां पर 5 बचा, 5 में से 4 गए तो 1, हमारा 16 आया। तो 16 ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अगर हम नॉर्मली मेथड नॉर्मली डिवीजन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू भाग, यानी कि नॉर्मल डिवीजन, इसे रिमाइंडर बोलेंगे, यानी कि शेषफल। तो एससीएफ में हम इसे शेषफल या फिर रिमाइंडर नहीं छोड़ते, इससे हम पहले वाले को डिवाइड करते हैं, मतलब जिससे पहले गया था। अब जो रिमाइंडर आया इससे पहले वाले को डिवाइड करेंगे 24 को, तो 6 टू जा 32 होता है, ज्यादा हो जाएगा 16 टू जा, तो 16 बन जा 16। फिर से माइनस करेंगे बेटा, तो ये 4 हुआ, जैसे कह रही है 14 में से 6 गए तो हमारा बचा 8। ओके, अब यहां पर 1 बचा तो 1 में से बन गया 0, अब 8 रिमाइंडर हो गया। अब इस 8 रिमाइंडर से हम क्या करते हैं, फिर से पहले वाले करेंगे यानी 16 को, तो 8 2 16, ये हमारा कंप्लीटली कट हो गया। तो ये जब हमारा कंप्लीटली कट हो गया, तो जिस नंबर से कंप्लीटली कट होता है वही हमारा एससीएफ हो जाता है। तो एससीएफ हमारा हो गया 8। तो फर्स्टली ये जो मेथड है, हमें भाई पहले डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से फिर पहले वाले को डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया फिर से उससे जस्ट पहले वाले को डिवाइड किया। तो ऐसा डिवाइड हम तब तक करते रहते हैं जब तक टोटली यानी कंप्लीटली कट नहीं जाए, यानी कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो जिससे कंप्लीटली या पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वही हमारा हो गया एससीएफ, यानी एससीएफ फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया 8। क्लियर, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे नोट कर सकें। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन डिस्कस। सेकेंड वाला भी हम डिविजन मेथड से करेंगे। सेकेंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो 86 है। 86 स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है 268, यानी स्मॉल नंबर ये है, ग्रेटर नंबर ये है। तो स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो 86 थ्री इसमें जाएगा बेटा, 86 थ्री जा, यानी कि वही आप देखोगे कि 86 टू जा कितना होता है, तो 26 जा 12, 28 जा 16 और 170, तो 172 हुआ। तो और करोगे, थ्री जा करोगे 86, थ्री जा करोगे 36 जा 18, 38 जा 24 और 125, तो आपका ये हो गया। और 4 जा करोगे 86 जा, तो आपका ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप लोग इस तरह मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो 18 थ्री जाएगा 258, माइनस करोगे
तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 2 में से 2 गया 0। अब बेटा ये रिमाइंडर आ गया, अब इस रिमाइंडर से आप करोगे नेक्स्ट वाले मतलब पहले वाले को डिवाइड, इस वाले को 10 से करेंगे 86 को, तो यू नो वेरी वेल 10 8 जा 80, माइनस करोगे यहां पर 6 बचा, अब इस 6 से करोगे 10 को, 6 बन जा 6, माइनस करोगे 4 बचेगा, अब इस 4 से फिर करोगे 6 को, तो 4 बन जा 4, बचा आपका 2, अब इस 2 वाले से 4 को करोगे तो आपका 2 2 4 कंप्लीटली कट गया, तो जिससे कंप्लीटली कटा वही हमारा हो गया एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा इस क्वेश्चन का हो गया 2। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके जब क्लास होने के बाद आप घर पर इसे नोट कर सकते हैं फिर नोटबुक में। ओके डन, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका हमारा एचसीएफ आया 8, इसका एचसीएफ हमारा आया 2, इनके आगे लिख लिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, तो हमने अभी क्या बताया था कि हम सबसे पहले स्मॉल नंबर से उससे ग्रेटर नंबर को, स्मॉल नंबर 16 है फिर उससे ग्रेटर 24 है, तो 16 से डिवाइड करोगे 24 को, 16 बन जा 16, माइनस करोगे तो ये बचा 8, 8 से फिर डिवाइड करोगे 16 को, तो 8 2 जा 16 कंप्लीटली कट हो गया। अब जहां पर आपको 3 नंबर हो, अगर यहां पर 2 नंबर होते तो हमारा 8 ऐसे हो जाता, अब जब 3 नंबर है यहां पर एक नंबर और बचा हुआ है, तो जिससे कंप्लीटली कटा उससे डिवाइड करेंगे, यानी 8 से थर्ड वाले को 484 को, तो 8 6 जा हमारा होता है 48, फिर ये कट हो गया, ऊपर से हमने नोट किया 4। अब ये 4 नोट किया, जब हम इसे रिमाइंडर छोड़ देते हैं 0 भी लगा देते हैं, तो जब ये रिमाइंडर आया तो अब इस रिमाइंडर से आप किसे करोगे डिवाइड, 8 को, 8 को डिवाइड करोगे, अब 4 आप इसे 8 को डिवाइड करोगे तो 4 2 8 आएगा, 4 2 8, तो हमारा इसका एचसीएफ हो गया, इसका एचसीएफ आपका हो गया 4, एचसीएफ इक्वल टू 4। ठीक, जैसे फिर से समझ लो बेटा, 16 बन जा 16, 16 2 32 ज्यादा हो जाता है, तो 14 में 6 गया तो आपका आ गया 8, फिर 8 से 16 को डिवाइड किया आपने, 8 2 16 कंप्लीटली कट गया, फिर इसी 8 से आप नेक्स्ट वाले को डिवाइड करोगे, यानी 484 को, तो 8 6 48 होता है, 8 6 48 होता है हिंदी वाले बच्चों, तो 48 में से माइनस किया आपने तो 4 बचा। अब इस 4, ये 4 रिमाइंडर हुआ, जैसे अगर हम ऊपर से नोट किए वाले को ही रिमाइंडर लिख देते हैं तब यहां 0 लगा लेते हैं, ये आपका डिवाइड मेथड हो गया। अब इस 4 ये रिमाइंडर हुआ, अब इस 4 से करेंगे 8 को, तो 4 2 8 कंप्लीटली कट हो गया, तो हमारा एचसीएफ हो गया 4। फटाफट इसकी शॉट ले लो। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला हमारा हो गया, थर्ड वाले का हमारा एचसीएफ क्या आया 4। अब हम फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ वाला वही स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, हमारा सबसे छोटा नंबर ये है और उससे ग्रेटर नंबर ये है, तो स्मॉलेस्ट से चाहे ये बेटा कहीं पर प्रेजेंट हो, चाहे इधर हो, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर क्या है उससे बड़ा नंबर क्या है। छोटा नंबर 14 है, तो 14 से डिवाइड करोगे आप 146 को, तो 14 बन जाओ 14, ये पूरा कट हो गया, ऊपर से नोट किया 6, तो वही आप क्या कहते हैं यहां पर 0 लगाओगे भाई, क्योंकि हमने रिमाइंडर लिखा। अब इस रिमाइंडर से आप करोगे 14 वाले को 6 2 12, आपने यहां माइनस किया तो आपका ये 2 बचा, अब इस 2 से बेटा, इस 2 से करोगे 6 वाले को, फिर 2 3 6 कट गया पूरा, अब जिससे कंप्लीटली कट हो गया उसी से करेंगे हम थर्ड वाले को, यानी 2 4 6 को, 2 बन जा 2 कट हो गया, ऊपर से 4 नोट किया, 2 2 4, 4 भी कट हो गया, ऊपर से 6 नोट किया, 2 3 6 ये भी कट हो गया, तो जिससे कंप्लीटली कटा वही हमारा हो गया एचसीएफ, एचसीएफ हमारा आ गया 2, तो फोर्थ वाले का भी एचसीएफ हमारा हो गया 2। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इनका प्राइम फैक्टर मेथड, यानी फैक्टर मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, अब जैसे इन्हीं क्वेश्चन का हम, ये तो हमारा था डिवीजन मेथड, ठीक है, ये तो हमारा डिवीजन मेथड था, इन्हीं क्वेश्चन का हम
एससीएफ निकालेंगे फैक्टर मेथड से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला, फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम यहां पर डिस्कस क्या करते हैं, फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड हमारा हो गया, यहां पर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मिले, गुणनखंड विधि में क्या करोगे, जैसे आपको 24 और 64 का निकालना, तो 24 के फैक्टर अलग करो यानी प्राइम फैक्टर अलग करो, 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 2 6 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। ओके, अब 64 को भी अलग करो भाई, 2 से करोगे तो आएगा 32 और फिर 2 से करोगे डिवाइड करोगे 32 को तो आएगा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। क्लियर। अब भाई आप 24 यहां लिखो, 64 यहां लिखो, इसके आगे इसके फैक्टर लिख लो, 2 × 2 × 2 × 3, फिर इसके आगे लिखो 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब इनमें बेटा जो कॉमन है वो ले लेते हैं, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहां से 2 ले लिया 1, इन दोनों कॉमन में से 2 1 ले लिया, इन दोनों कॉमन से भी 2 1 ले लिया, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2, मल्टीप्लाई का लगा दिया मल्टीप्लाई, 2 कॉमन ले लिया, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में जो नंबर जो फैक्टर प्राइम फैक्टर जो हो वो दोनों में समान हो, 24 में भी 64 में, तो यहां से 2 ले लिया, यहां से 2 ले लिया, यहां से 2 ले लिया, अब और कोई कॉमन बेटा नहीं है इनमें, तो इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 2 × 4 × 4 × 8, तो हमारा एससीएफ क्या आ गया 8, तो जो हमारा आ गया ये आ गया हमारा एससीएफ मास आपा, तो देखो सेम आया, जो हमारा क्या डिवीजन मेथड से आया वही हमारा इस मेथड से आया, ठीक है बिल्कुल सेम। और जैसे अगर थर्ड नंबर और प्रेजेंट हो, तीसरा नंबर और हो यहां पर, तो आप तीसरे नंबर से, यहां पर 3 नंबर हैं, तो तीसरे नंबर के भी फैक्टर करोगे तो तीसरा नंबर रख लोगे यहां पर, ठीक है तीसरा नंबर यहां रख लोगे, तो तीनों जो तीनों में कॉमन हो वो एससीएफ होता है, ठीक है फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका एससीएफ 8 हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने 2 वाला कर लिया, थर्ड वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको समझ में आया, तो थर्ड क्वेश्चन 3 वाले का 16 के प्राइम फैक्टर करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, ठीक। अब करो 24 की, तो भाई 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। अब 4 8 4 के फैक्टर कर लो, तो 4 8 4 का फैक्टर 2 बन जा 2, यहां पर होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, अब ये बेटा 11 से कटेगा, 11 आएगा यहां पर, फिर 11 बन जा 11, पूरा कट हो गया। अब देखो फिर से इन तीनों के लिख लो, 16 के आगे लिखो 16 के फैक्टर, 2 2 4 है तो 1 2 3 4, फिर 24 के लिख लो, 1 2 3 4 है तो 2 2 2 × लास्ट में 3 है यहां पर, फिर यहां पर ले लो 4 8 4 के फैक्टर, ये 2 × 2 × 11 × 11। अब बेटा इन जो तीनों में कॉमन हो वो ले लेते हैं, तीनों में कॉमन ये है और तीनों में कॉमन ये है, बाकी बेटा तीनों में कॉमन कोई नहीं है क्योंकि 2 इनमें कॉमन तो इसमें नहीं है, और 2 3 सब अलग ही लगा है, तो इन तीनों में कॉमन से 2 एक ही आया और इन दोनों में से इन तीनों में से कॉमन ही आया, तो 2 2 = 4 इनकी मल्टीप्लाई हो गई, तो एससीएफ हमारा हो गया 4। देखो सेम आ गया, तो फटाफट इसका भी एससीएफ 4 हो गया, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसी इस तरह आज की जो क्लास है एससीएफ की वो फिनिश होती है, आपको एससीएफ सिखाया हमने, और जो आपका होमवर्क है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पहुंच जाएगा, हमारी एंटी क्लासेस जो है प्रॉपर आपके डाउट्स क्लियर करती रहेगी, 24 और आपके डाउट्स क्लियर करती है, और आपको होमवर्क आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगा, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।